सभी दोस्तों को नमस्कार। तो भाई आज मेरे पास है यामा R15। तो आज मैं आपको जो इसमें ये दो रिले दिए होते हैं इनके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और नॉलेजफुल वाला भी। तो आज हम बात करेंगे इसके जो ये दो रिले दिए गए हैं तो ये किस काम के लिए होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो भाई देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो इसमें एक रिले दिया गया है। तो पहली बात तो दोस्तों, जो इसमें ये दोनों रिले दिए गए हैं ये दोनों एक होते हैं, मतलब चाहे इसको आप इधर लगा दो चाहे इसको इधर लगा दो, तो ये दोनों एक ही काम करते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो इनका काम क्या होता है, देखिए ये जो इसका रिले है आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये चार वायर देखने को मिलती हैं। तो ये जो रिले है दोस्तों, ये दिया गया है इसके सेल्फ को लेकर, तो ये सेल्फ स्विच के बेस पर काम करता है। तो अब देखिए इसके अंदर ये चार वायर आपको देखने को मिलती है। पहली हो गई रेड प्लस वाइट लाइन, दूसरी हो गई रेड प्लस ब्लैक लाइन, और जो तीसरी है ब्लू प्लस वाइट लाइन, और जो चौथी वायर है ब्लू प्लस ब्लैक लाइन। तो इसमें ये चार वायर दी गई हैं। तो अब देखिए ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका जो कनेक्शन है वो किल स्विच से होता है। तो यहाँ पर ये रेड प्लस वाइट लाइन जो है ये किल स्विच से होकर यहाँ पर आती है। अब देखिए कैसे, तो देखिए जैसे हम बाइक के स्विच को ऑन करते हैं और इस किल स्विच को हम जब नीचे करते हैं तो यहाँ से देखिए आपको टिक टिक की साउंड आने लगेगी। जैसे मैं दो चार बार किल स्विच को ऑन ऑफ करूँगा, देखिए तो देखा आपने ये टिक टिक कर रहा है। तो इसके ये आवाज़ करने पर क्या होता है, ये अपनी सप्लाई बदल देता है, और जिसके चलते ये यहाँ पर जो इसके में ये तार देख रहे हैं आप, ये ब्लू प्लस ब्लैक लाइन, ये इसमें सप्लाई आ जाती है और ये सप्लाई सीधी आती है इस बड़े रिले में। तो जैसे दोस्तों हम सेल्फ रिले को लगाते हैं, यहाँ से इसने कट मार दिया, उसके बाद इसमें ये कट मारने के बाद ये तार इसमें आ जाती है। तो अगर जैसे कि दूसरी बाइक होती है तो उनमें जो ये तार दी गई है, मान लो यहाँ पर ये तार दी गई है, तो वो तार सीधी आती है इस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये आप चार वायर देख सकते हैं, तो उसके अंदर भी चार वायर होंगी। तो फर्क ये होगा उस स्विच से डायरेक्ट वो तार यहाँ पर होगी, क्योंकि काम उसी बेस पर ही करेगा। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं और सेल्फ बटन को दबाते हैं तो ये कट मारता है, कट मारने के बाद अपनी सप्लाई इसमें छोड़ देता है, और जिसके चलते ये जो तार है इसमें आप देख सकते हैं मोटे वाली, ये जाती है सेल्फ पर और बाइक जो है स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये कंपनी थोड़ा बदलाव किया है, वो इसलिए आपको पता है कि ये EFI सिस्टम है, इसमें इश्यू लगा है, और क्योंकि इसलिए जो इसमें इश्यू लगा है और ये काफ़ी टफ वायरिंग होती है इसकी, ताकि वायरिंग में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए यहाँ पर ये डबल रिले का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो इसमें ये रिले दिया गया है ये अब काम कैसे करता है, देखिए जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसका कनेक्शन किल स्विच से होता है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये एक बार कट मारता है, ठीक है, उसके बाद कट मारने के बाद ये सप्लाई तो इसमें चली जाती है, क्योंकि इसको जो सप्लाई चाहिए यहाँ पर ये इसमें सप्लाई आ जाती है। इसके बाद जैसे ही हम सर्व स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये तब भी कट मारता है, ठीक है, और उसके बाद ये जो है दोस्तों सप्लाई इसमें आने के चलते ये बड़े रिले काम करता है, और जिसके चलते बाइक को ये स्टार्ट कर देता है। तो उसके बाद मान लो, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा काम क्या है। अब देखिए ये इसका मेन काम था, तो जिसके चलते ये काम कर रहा है, तो ये बाइक को स्टार्ट कर रहा है इसके साथ, ठीक है। तो अब जैसे मैं बाइक को बंद करता हूँ, और जब हम बाइक को गियर में डाल देते हैं, ये हमने बाइक को गियर में डाल दिया, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं और ये किल स्विच को ऑन करते हैं, तो जब हम ये सेल्फ बटन दबाते हैं तो ये रिले यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं। ये काम कब करेगा, जब हम इस क्लच को दबाते हैं और जो स्विच है यहाँ पर ये इसकी तार मिलती है तो उसकी सप्लाई यहाँ पर आ जाती है। ये आप देख सकते हैं जो इसमें रेड प्लस ब्लैक लाइन है ये तार है, तो ये यहाँ पर आके इससे कट मरवाती है। तो अब देखिए जैसे हम इसको दबाते हैं तो इसके दबाने पर ये यहाँ से टिक टिक कर रहा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये यहाँ से टिक टिक कर रहा है जैसे हम क्लच को बार बार दबा रहे हैं। तो होता क्या है, ये नॉर्मल स्विच है, और उसके बाद जब हम इसको गियर में डालते हैं और ये क्लच दबाते हैं तब भी ये काम करता है। तो ये इस बेस पर काम करता है वो, इसलिए ताकि वायरिंग में जो है कोई किसी तरह का शॉर्ट सर्किट ना हो, तो इसलिए यहाँ पर ये
डबल रिले का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो आपको पता है भाई वायरिंग इसकी काफ़ी हैवी होती है, इसमें इतने सारे फंक्शन होते हैं ताकि वायरिंग में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, उसी ना ख़राब हो, और भाई कंपनी नहीं चाहती भी किसी कस्टमर का कोई नुकसान हो और वो कंपनी के ऊपर कोई ब्लेम करे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने ज़्यादा सेफ्टी में इसको बनाया है। तो ये रिले हो गया सेल्फ के लिए और क्लच स्विच के लिए, आपने इसको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर मान लो ये ख़राब हो जाता है तो इसको डायरेक्ट कैसे किया जाए, तो अब देखिए। तो भाई देखिए, अगर मान लो ये जो रिले है ये ख़राब हो जाता है तो ये काम कैसे करता है। इसके अलावा तो हमने जो यहाँ पर देखिए एक तार ली है और ये इसकी जो इधरले वाली वायर है नीली सफ़ेद और नीली ब्लैक, तो इनको आपस में मिला दिया। तो इसके चलते होगा क्या, देखिए जब बाइक मान लो न्यूट्रल खड़ी है तो ये न्यूट्रल है और जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई होता क्या है, जब हम इस वायर को आपस में मिला देते हैं, देखिए नीली सफ़ेद और ये नीली ब्लैक को, तो इसकी सप्लाई डायरेक्ट हो जाती है यहाँ पर, ये इसमें ये जो आप यहाँ पर वायर देख सकते हैं। तो जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो ये बाइक स्टार्ट हो जाती है, और जब हम मान लो इसको डायरेक्ट कर देते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है, जब हम बाइक को देखिए गियर में डाल देते हैं, ये हमने इसको गियर में डाल दिया, तो जब होता क्या है, तो यहाँ पर जैसे ही हम दोस्तों बाइक को स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर ये बिना क्लच दबाए भी दोस्तों ये इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में होता क्या है, देखिए जब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं और इसको ऑन करने के बाद बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो गियर में जब बाइक होती है तो हमें क्लच की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लच से भी ये तभी काम करेगा जब इसका ये रिले ठीक होगा। तो यहाँ पर रिले तो हमने निकाल दिया, डायरेक्ट कर दिया इसको, तो यहाँ पर जैसे ही दोस्तों इसको सेल्फ को दबाते हैं ना, तो देखिए ये इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है। देखिए बाइक आगे की तरफ मूव करेगी, देखिए देखिए। तो इससे होता क्या है, अगर कोई बच्चा मान लो आपकी बाइक पे बैठा हो और उसने स्विच को लगा दिया और बाइक गियर में है और हमने इसको डायरेक्ट कर रखा है, तो यहाँ से दबाने पर बाइक तो आगे की तरफ मूव करेगी, वो आपको पता है कि इंजन तो स्टार्ट हो गई, तो ऐसे में बाइक गिर जाएगी और कोई घटना भी यानी कि कोई किसी को चोट फेट भी लग सकती है, तो ये उसका नुकसान होता है। ये तो इसलिए है ताकि इमरजेंसी में हम इसको स्टार्ट कर सके इसके बेस पर, तो ये आपने याद रखना है, ये इसलिए इसमें दिया गया है। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे रिले की, हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। इसमें आप ये चार वायर देख सकते हैं, एक हो गई ब्राउन रंग की, दूसरी हो गई रेड, तीसरी इसमें ब्लू और चौथी इसमें आसमानी। तो ये काम कैसे करता है, यहाँ पर जो इसमें ये ब्राउन रंग की तार है, जैसे ही हम देखिए जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो उससे ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पर इसमें आ जाती है। ये तो आपको पता है ये स्विच के बेस पर काम करता है, लेकिन जो इसमें ये रेड वायर है ये नॉन स्टॉप दोस्तों बैटरी से जुड़ी होती है, यहाँ पर ये इस बैटरी से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, क्योंकि इसको ऑटो कट का ही काम करना है, इसलिए यहाँ पर ये बैटरी से दी गई है और इसको स्विच से नहीं जोड़ा। तो इसलिए आपने याद रखना है ये जो रेड तार है ये डायरेक्ट बैटरी से है। इसके बाद होता क्या है, जो ये इसमें तार दी गई है आसमानी, ये होकर आती है इस इशू से, ये इशू से आती है, और ये कब काम करती है, देखिए जब आपने यहाँ पर देखा होगा जो यहाँ पर एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, वो टेम्परेचर सेंसर जो कूलेंट के लिए दिया होता है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, तो देखिए यहाँ पर जो है जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो आप यहाँ पर ये सिग्नल देख सकते हैं टेम्परेचर का, यहाँ पर ये दिया गया है। तो जैसे दोस्तों बाइक कुछ गर्म होगी या कूलेंट इसमें कम होगा तो ये उसको सिग्नल देगा, और सिग्नल के देने के चलते ये लाइट तो यहाँ पर इंडिकेट करेगी ही, साथ ही जो उसके सिग्नल आएंगे उस सेंसर के वो आएंगे इस ईसीयू को। तो उस सेंसर ने तो अपना जो है सिग्नल इस ईसीयू को दे दिया, तो अब इसके बाद है ईसीयू का काम। तो ईसीयू से जो तार निकलती है वो आती है यहाँ पर इस रिले में, तो वो जो रिले है अब ये काम करेगा। तो तीन वायर को तो इसको मिल गई, एक ये रेड वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये और चौथी वायर ये, तो ये इसमें समझ लो अर्थ की हो गई, क्योंकि इसको जो है कट मारना है इसलिए यहाँ पर ये सप्लाई इसमें छोड़ देता है। तो उससे चौथी बार जो निकलती है ये नीले रंग की, तो ये नीले रंग की तार जाती है सीधे इसके रेडिएटर के फैन पर। तो आपने देखा होगा जो कार हो, कुछ बड़ी बाइक्स होती हैं या मान लो कि जैसे कुछ बड़े फोर व्हीलर होते हैं, तो उनमें जैसे दोस्तों बाइक हीट हो जाती है उनका इंजन, तो उसका रेडिएटर में जो फ़ैन लगा होता है वो ऑटोमेटिक चल जाता है, तो वो फ़ैन जो है इसीलिए चलता है। जब जब बाइक का इंजन गर्म होगा और उसका जो सेंसर है वो उसको सिग्नल देगा, सिग्नल देने के जो चलते इशू अपनी सप्लाई इसको देगा, ये कट मारेगा और इसका फ़ैन चल जाएगा।
तो ये इस प्रकार से काम करता है। जो इसके अंदर कूलेंट हो या पानी डाला हो तो वो उस रेडिएटर को ना बार बार ठंडा करता रहता है, जिसके चलते इसका सर्कुलेशन बना रहे और जो ठंडा होकर रेडिएटर से कूलेंट हो वो बार बार इंजन के ब्लॉक्स में, जो इसमें छोटे छोटे होल होते हैं ब्लॉक में, तो उनमें ये घूमता रहता है ताकि इंजन को गर्म ना होने दे। तो इस प्रकार से ये जो इसमें दूसरा रिले दिया गया है ये इसके फैन के लिए दिया गया है जो इसके रेडिएटर पर लगा होता है। तो भाई ये तो थी इसके दो रिले की जानकारी जो आज मैंने आपको दिखाई। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, इससे कुछ जानकारी मिली होगी अच्छी। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। भाई हम आपको इसी तरह से अपने चैनल पर प्रैक्टिकल वीडियो में जानकारी देते रहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट हो या कोई इंजन से लेकर, तो उसकी हम आपको प्रैक्टिकल ही जानकारी देते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर बहुत ही पसंद आया होगा। तो भाई इसी तरह से हमें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना, प्यार बनाए रखना। तो हम इसी तरह से आपके लिए नॉलेजफुल वाले इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।